जय माता दी, जय हिंदुस्तान। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप मौर्य। आप देख रहे हैं संदीप बॉलीवुड। और जैसा कि अभी मैंने देखा कि वेदा मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जॉन अब्राहम्स के जो भी फैंस हैं समय काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि उस ट्रेलर ने आते ही धमाका कर दिया है। मैंने इसको अभी जी के ऑफिशियल चैनल पर देखा और ये ट्रेलर देख के यार मैं क्या बताऊँ, माने कि दिल खुश हो गया। और जॉन अब्राहम का अपना अलग एक फैन फॉलोइंग बेस है और लोग काफ़ी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, करना भी चाहिए। जिस तरीके उनका लुक इस ट्रेलर में दिखाया गया है, 3 मिनट 20 सेकंड का ट्रेलर है और जॉन अब्राहम ने आउटस्टैंडिंग काम किया। और ट्रेलर की जब ओपनिंग होगी, शुरुआत होगी, आप देखेंगे गीता का एक श्लोक कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तक मैं धर्म की रक्षा करूंगा। और इस ट्रेलर में देखने में जॉन अब्राहम का लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। तमन्ना भाटिया भी दिखी हैं जो कि उनको समझाती हैं, एक डायलॉग बहुत अच्छा है, अगर एक अकेले को दूसरे अकेले का साथ मिल जाए तो अकेला नहीं रहता है। और भर भर के एक्शन दिखाया गया है और शर्वरी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। और मुझे शॉकिंग किया अभिषेक बनर्जी ने, अभी तक उनको मैं कॉमेडी के रोल में देखा था, बट इसमें एक मैंने देखा गांव के मुखिया या नेता के रूप में आ रहे हैं, जो कि गांव में एक भेदभाव है, वहां पे विलन का रोल अदा करते हैं। हमेशा जाति पात ये सब चीज़ें, रूढ़िवादी चीज़ें दिखाई गई हैं, जिसको दूर करने के लिए इस अधर्म को जॉन अब्राहम की एंट्री होती है। और जॉन अब्राहम में जैसे ट्रेलर में देखने पर लग रहा है कि वो सेना में मेजर हैं, इंडियन आर्मी में, लेकिन वो आदेश नहीं मानते क्योंकि वो कभी गलत चीज़ नहीं देख पाते, इसलिए आदेश ना मानने के कारण उनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है। तब फिर वो मिलते हैं एक्ट्रेस से और वो बताती उनको अपनी प्रॉब्लम, और मिलके ये लोग जो गांव में जात पात का, ऊंच नीच का ये सब भावनाएँ फैली हुई हैं और गाँव में जो गलत सलत काम हो रहे हैं उन सबको दूर करने के लिए जॉन अब्राहम सर्वरी के साथ मिल के एक संघर्ष करते हैं। ओवरऑल ट्रेलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। जॉन अब्राहम का काम मुझे बहुत अच्छा लगा, इनका लुक बहुत अच्छा लग रहा है और एक्शन मूवी में तो जॉन अब्राहम हमेशा 4 चांद लगाते ही हैं। और ये मूवी रिलीज़ हो रही है 15 अगस्त को, माने कि काफ़ी मूवियां आ रही हैं। आपको क्या लगता है, मूवी फ्लॉप होगी या हिट होगी, जैसा हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कौन कौन ये मूवी देखने जा रहा है और जॉन अब्राहम का लुक लोगों को कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अभी और भी रिव्यूज़ आने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में पवन सिंह का एक गाना बॉलीवुड में रिलीज़ हो रहा है, मैं उसका भी रिव्यू करूँगा। जय माता दी, जय हिंदुस्तान, लव यू अलॉट।